मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। दिल्ली और उत्तर प्रदेश के कई रेलवे स्टेशनों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। मेरठ, शामली, निजामुद्दीन और गाजियाबाद समेत दिल्ली और उत्तर प्रदेश के 7 रेलवे स्टेशनों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। बुधवार को पुराना गाजियाबाद रेलवे स्टेशन के अधिकारियों को एक पत्र मिला। इस पत्र के मिलते ही हड़कंप मच गया। पत्र मिलते ही अलर्ट जारी कर दिया गया है, मगर वहीं एसएसपी को भी बम धमाके का ईमेल मिला है, जिसके बाद खुफिया विभाग भी सतर्कता बढ़ा दी है और एसएसपी ने भीड़ वाली जगह और बाजारों में भी सुरक्षा बढ़ा दी है। ईमेल भेजने वाले ने 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। पत्र ईमेल किस संगठन द्वारा भेजा गया है? लखनऊ से मेरठ जोन तक के पुलिस अधिकारी इसकी जांच कर रहे हैं। ईमेल गेटवे से डेटा, आईपी एड्रेस और अन्य जानकारियां प्राप्त करने के बाद शामली पुलिस ने बुधवार को एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। एटीएस, एलआईयू, इंटेलिजेंस और सुरक्षा एजेंसियों ने भी शामली पहुंचकर आरोपी से पूछताछ की है। साथ ही एटीएस, साइबर सेल और सर्विलांस टीमें भी जांच कर रही हैं। तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम।